और आगे आ गए हैं बाकी सारे मुद्दे. इसमें आपसे फ्रेंकली कई सवाल पूछूंगी जो मैं अक्सर आपसे पूछती हूँ. और इकोनॉमी की जो चर्चा है वो कहीं पीछे रह गई है और आगे आ गए हैं बाकी सारे मुद्दे, चाहे आर्टिकल 370 हो, चाहे अयोध्या हो और चाहे उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल. कहीं ना कहीं इससे जो है प्रोटेस्ट जम्मू एंड कश्मीर से आसाम चले गए और आसाम से दिल्ली तक आ गए, पहले जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में और आज सीलमपुर में भी काफ़ी प्रोटेस्ट हुए हैं. ये प्रोटेस्ट का कारण सब कह रहे हैं कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है जो सरकार ने पार्लियामेंट में पारित करा है, लेकिन ये उनका कहना है कि मुसलमान और हिंदू भाइयों में भेदभाव करता है. मैं ऐसा नहीं मानता. ये जो रिएक्शन आ रहे हैं इसके दो कारण हैं. एक तो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां इसको हिंदू और मुस्लिम के बीच में इससे भेद बनाना चाहती है, एक कारण ये है जिसके कारण वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं. और दूसरा कारण है एक प्रकार की इनके अपप्रचार के कारण भ्रांति खड़ी हुई है, ये दूसरा कारण है. मैं आपको डिटेल बताना चाहता हूँ कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है उसके अंदर कहीं पर भी किसी की नागरिकता लेने का, वापिस ले लेने का प्रावधान ही नहीं है. इसके अंदर नागरिकता देने का प्रावधान है. नागरिकता किसको देनी है? नागरिकता बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए 6 वहां की रिलीजियस माइनॉरिटी जिन पर धार्मिक प्रताड़ना के कारण जिन्होंने भारत में आए हैं, शरण लेकर आए हैं, उनके पास ना कोई दस्तावेज है, ना कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, ना पासपोर्ट है, कुछ नहीं, और सालों से नर्क की जिंदगी जी रहे हैं वो लोग, उन लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है. आज कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है. मैं कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता से कहना चाहूंगा कि जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली के बीच में जो समझौता हुआ था, जिसको जवाहरलाल नेहरू लियाकत समझौता के रूप से जो पॉपुलर हुआ, उसकी प्रथम क्लॉज ही आप पढ़कर लिखिए, जिसके अंदर कहा गया है कि दोनों देश अपने अपने यहां जो माइनॉरिटी है इसकी देखभाल करेंगे, समान अधिकार देंगे और उनको ठीक तरीके से उनकी स्वतंत्रता की चिंता करेंगे, जो कि पाकिस्तान बांग्लादेश में नहीं हुआ. पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान तीनों ने अपने स्टेट का धर्म इस्लाम बनाया है. कई सारे परिवारों पर धार्मिक प्रताड़ना हुई, धर्म परिवर्तन कराए गए, महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई, उसकी प्रताड़ना के लेकर ये सारे लोग यहां आए हैं और उनको नागरिकता देने का प्रावधान सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर है. मैं नहीं समझता इसमें भारत में रह रहे माइनॉरिटी और विशेषकर मुस्लिम समाज के खिलाफ क्या है. लेकिन ये प्रोटेस्ट जो शुरू हुए कुछ यूनिवर्सिटी से, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी एक उदाहरण है, लेकिन ये आसाम में भी प्रोटेस्ट हुए और आज 40 यूनिवर्सिटीज इन प्रोटेस्ट में सपोर्ट कर रही है जामिया मिलिया को. 40, तो ये 40 नहीं है, 22 है और देश में लगभग 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटियां हैं और स्टेट मिला लो तो आंकड़ा, और इंडिपेंडेंट मिला लो तो आंकड़ा बहुत बड़ा होता है. इसमें से 22 है और बाकी सब जगह सिंबोलिक प्रोटेस्ट हुए, जो मीडिया ने कहा कि स्टूडेंट पर अत्याचार हुआ इसके कारण वो स्टूडेंट सॉलिडारिटी के कारण इकट्ठा हुए हैं. परंतु मैं इतना पूछना चाहता हूं कि आप पथराव करोगे, किसी के दो पहिया व्हीकल के अंदर से पेट्रोल निकालकर बस में आग लगा दोगे, नागरिकों का नुकसान करोगे, तो पुलिस एक्शन नहीं लेगी क्या? किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में आएगा? आप मुझे बताइए, अगर ये सारे स्टूडेंट थे तो अंदर से पथराव कौन कर रहा था और क्यों कर रहा था? इसका भी तो जवाब ढूंढना पड़ेगा. परंतु मैं अभी भी कहता हूं कि इसका मेन कारण यह है कि एक अपप्रचार कांग्रेस और कुछ राजनीतिक दलों ने, तृणमूल कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी है, आप पार्टी है, इन सब ने एक अपप्रचार चलाया है. आप अभी भी मुझे बताया, अभी जर्नलिस्ट है, आपने एक्ट पढ़ा है, इसमें माइनॉरिटी के खिलाफ क्या है? माइनॉरिटी में अगर CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में नहीं है तो लोगों का कहना है कि ये तो सिर्फ कर्टन रेजर है, क्योंकि बाकी जो पिक्चर है वो NRC है,
वो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स है और उसमें ये पहल करके आप हिंदुओं को इस देश का सिटीजन बना दोगे और फिर एनआरसी ले आओगे और मुसलमानों को बाहर ले जाओगे, ये फियर है। ठीक है चलिए, ये फियर तो एनआरसी का प्रोविजन कौन लेकर आया? भाजपा लेकर आई है क्या? ना जी, कांग्रेस पार्टी लेकर आई। 1985 में आसाम समझौते के अंदर एनआरसी इस देश में लागू किया जाएगा, आसाम में लागू किया जाएगा, इसका वादा श्री राजीव गांधी ने किया। और मैं आपको बताता हूं, नागरिकता कानून 1955 के अंदर क्लॉज 14A ऐड किया गया, 3 दिसंबर 2004 को नोटिफाइड किया गया। किसकी सरकार थी? यूपीए की। भारत सरकार को एनआरसी बनाने की शक्ति जो मिल रही है वो क्लॉज 14A से मिल रही है, जो 3 दिसंबर 2004 को लागू किया गया, तो कांग्रेस पार्टी लेकर आई है। उसके बाद में इन्होंने 2009 के अंदर इसके शेड्यूल में 4A जोड़ा, जो एग्जैक्ट एनआरसी का प्रोविजन है। अब कांग्रेस पार्टी कह रही कि आप क्यों कर रहे हो, तो आप क्यों लेकर आए थे और लेकर आने के पीछे का तर्क क्या था? ये पूरे एक्ट को कांग्रेस के समय में बनाया गया और मैं मानता हूं कि ठीक बनाया गया। दुनिया में कोई देश ऐसा है जिसके नागरिकों का रजिस्टर नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी कह सकती है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान अफगानिस्तान से सारे मुसलमानों को यहां नागरिकता दे दो? कल जरा सोनिया गांधी स्टेटमेंट कर देखें। आज ऑपोजिशन पार्टीज प्रेसिडेंट के पास गए और उन्होंने कहा है, मेरा सभी विरोध करने वालों को एक चैलेंज है कि आप देश की जनता के सामने कहिए कि सारे पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो मुस्लिम भाई यहां आना चाहते सबको भारत ने स्वीकार कर लेना चाहिए। कहे जरा कल, और अगर नहीं कह सकते तो इसका विरोध न करें। हम क्या कर रहे हैं? एनआरसी क्या है अंततोगत? एनआरसी है इस देश के नागरिकों का रजिस्टर बनाना। इस देश में कोई भी रह सकता है क्या? कौन से देश के नागरिकों का रजिस्टर नहीं है? दुनिया में सभी देश के नागरिकों का रजिस्टर है। तो ये आधार, ये वोटर कार्ड और ये जितने तमाम डॉक्यूमेंट होते हैं, ये क्या आपको अपने नागरिक का पहचान नहीं देते? ना जी, ये नहीं है, इससे नागरिकता तय नहीं होती है और आधार से तो जरा भी नहीं तय होती। आधार का एक अलग पर्पज है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाना ही चाहिए। और वो बनाने के पीछे किसी को भला क्यों अन्याय होगा? क्या डर है? जो इस देश के नागरिक है उसको कोई अन्याय नहीं होगा। और मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि इस देश के नागरिक एक भी मुसलमान को अन्याय नहीं होगा, इसका सरकार सब मैं सबको विश्वास दिलाना चाहूं, कभी भी नहीं होगा और हो भी नहीं सकता, क्योंकि इसके ऊपर कोर्ट है। कोर्ट में इसको चैलेंज होगा, कोर्ट में सुनवाई होगी, कैसे हो जाएगा? एक प्रक्रिया भी शुरू ही नहीं हुई है और आप इतना बवाल कर रहे हो। और उसका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के साथ क्या लेन देन? इसका कोई लेन देन। लेकिन कांग्रेस पार्टी और बाकी विरोधी पार्टियों ने आज ही प्रेसिडेंट के सामने जाकर ये कहा है कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वापस होना चाहिए। क्या ये वापस होगा? जरा भी नहीं होगा, किंचित मात्र संभावना नहीं है। अमित शाह जी, हम मानते हैं कि ये लाखों करोड़ों लोग जो अपना धर्म बचाने के लिए देश की शरण में आए हैं, नेहरू लियाकत अली पैक्ट के अनुसार इस देश का दायित्व है कि हम इसको करें। और ये नौबत ही न आती अगर कांग्रेस पार्टी के उस वक्त के नेता इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर इसकी सहमति न देते। तो जब आपने विभाजन धर्म के आधार पर किया है और वहां से धार्मिक लघुमती जो है, धार्मिक माइनॉरिटी है, उनकी प्रताड़ना हो रही है अल्पसंख्यकों की, तो उनको नागरिकता नहीं देंगे, ये कहां जाएंगे? अमित शाह जी, मैं आपसे इस पे और अगर यही तर्क है तो आप मुझे बताइए, युगांडा से बहुत सारे हिंदू आए थे, आपने क्यों नागरिकता दी थी? स्वयं इंदिरा गांधी जी ने 71 में क्यों नागरिकता दी? दंडकारण्य प्रोजेक्ट क्या था, क्यों नागरिकता दी? लंका से आए हुए 6 लाख फैमिली को नागरिकता दी है, क्यों नागरिकता दी है? इसी आधार पर दिया है। मगर जब भारतीय जनता पार्टी करती है उसको अलग तरीके से पेंट करना, मैं मानता हूं ये ठीक नहीं है। और ये ऐसा मामला नहीं है जिसमें राजनीति करनी चाहिए, ये शुद्ध रूप से देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का मामला है। अमित शाह जी, इससे 2-3 सवाल खड़े होते हैं। एक सवाल तो सबसे पहला ये कि आपने पार्लियामेंट में ये सब कहा,
फिर भी आज देश में प्रोटेस्ट और अनरेस्ट है और ये यूनिवर्सिटीज में है। अभी भी आप इसको बहुत बड़ा चढ़ाकर मत करिए। यूनिवर्सिटीज का मतलब आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, 400 से ज्यादा यूनिवर्सिटी है, उसमें से 22 यूनिवर्सिटी में रियल प्रोसेस, 5 यूनिवर्सिटी में जामिया मिलिया में है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे जुड़ गए, लखनऊ की यूनिवर्सिटी में और ये अपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, बाकी सारों ने एक प्रचार चल पड़ा कि बच्चों पे कार्यवाही की, कोई स्टूडेंट पे कार्यवाही नहीं की, जो दंगा करते उस पर कार्यवाही होगी ही होगी, कैसे लॉ एंड ऑर्डर संभलेगा। तो आप समझते हैं कि बच्चों के साथ जो कार्रवाई हुई वो दिल्ली पुलिस को करनी चाहिए थी, क्या उनको जामिया मिलिया के अंदर जाना चाहिए था, लाइब्रेरी में घुसना चाहिए था? अभी भी मैं कह रहा हूं कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का भंग करेगा या तो जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी और जनता की प्रॉपर्टी को नुकसान करेगा, उसके रोकने का प्रयास पुलिस ने करना ही पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज के अंदर जाके विदाउट परमिशन, पत्थर कहां से आए? प्रॉक्टर और अब तो अब साबित भी होने लगा है, अंदर ढेर सारे लोग जो स्टूडेंट नहीं थे ऐसे भी घुसे थे, अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी अब आइडेंटिफाई भी हो रहे, वीडियोग्राफी से आइडेंटिफाई हो रहे। लेकिन वीडियोग्राफी से यह भी पता चलता है कि पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया बहुत से ऐसे, नहीं तो क्या कितनी बसें जली? आप इसका समर्थन करती है क्या कि स्टूडेंट्स ने बस चलाना चाहिए? इसका कोई समर्थन नहीं हो सकता। तो फिर वायलेंस कैसे उपदेश से होगा? आपके कार्यक्रम देखकर बंद होगा? आप तो ज्यादा दिखाती हो वायलेंस को, पूरा टाइम्स नाउ भरा पड़ता है, कैसे वायलेंस बंद होगा बताइए मुझे रास्ता। वायलेंस बंद भी करना है, कठोरता से कदम भी नहीं उठाने और आपको वायलेंस का मार्केटिंग भी करना है तो कैसे होगा बताइए। अमित शाह जी, मैं जानती हूँ आप गृह मंत्री हैं और लॉ एंड ऑर्डर का आपके ऊपर दायित्व है, लेकिन आप एक भारतीय नागरिक भी हैं, आप एक ऐसे वर्ग से आते हैं जो चिंता भी करता है देश के बारे में, तो एक मिनट अगर आपका पॉलिटिकल रोल साइड में किया जाए और सिर्फ इंसानी रोल में मैं आपसे पूछूं कि क्या अपनी सोशियो पॉलिटिकल फैब्रिक इस देश का ठीक करने के लिए हम इस तरह के कदम उठाएं जिससे थोड़ा बहुत अनरेस्ट ऐसे फैलता चला जाए देश में, तो क्या ये देश के लिए सही है? आप मुझे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिए, कदम ये बहुत गार्डेड शब्द है, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिए मैं तुरंत जवाब। मैं आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आर्टिकल एप्रोकेशन, एक सेकंड, आर्टिकल 370 रखते वक्त ही संविधान सभा ने उसको टेम्पररी किया था, जवाहरलाल नेहरू जी से सबने टेम्पररी बनाना था, मेरा इतना ही कहना है अगर इसको कभी भी हटाना नहीं था तो 370 टेम्पररी क्यों रखा था? अमित शाह जी, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और आपकी बात, आपकी आर्ग्यूमेंट सही होगी। मैं कह रही हूं कि इतनी सारी चीजें जल्दी जल्दी लाना, एक सोसाइटी को टाइम नहीं चाहिए क्या कि जो स्टेटस को इतने सालों से और सारे कदम के बीच में क्या समानता है जी? आर्टिकल 370 कश्मीर के लिए है, आज वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, शांति है, आराम से लोग रह रहे, कर्फ्यू खुला है और कई महीनों से खुला है, कोई तकलीफ नहीं है, क्या प्रॉब्लम क्या है? तो आसाम में क्या प्रॉब्लम? आसाम में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जिसका आधार विदेशी शरणार्थियों को रखना या नहीं रखना वो था, दो हिस्से थे, एनआरसी था लाना और दूसरा आसाम की अस्मिता को प्रोटेक्शन के लिए क्लॉज 6 का अनुपालना करना। कांग्रेस पार्टी ने 1985 से आज तक क्लॉज 6 को कभी छुआ ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद क्लॉज 6 की कमेटी बनी, 2019 में फिर से हमने कमेटी को रिवाइव किया और आज असम के मूल लोगों की अस्मिता को, भाषा को, उनकी संस्कृति को, उनके पॉलिटिकल रिजर्व, बड़ी अफवाह चली कि एंडलेस है, एंडलेस नहीं है, 31 दिसंबर 2014 तक जो शरणार्थी आए उन्हीं को नागरिकता देनी है, ये एंडलेस नहीं है और ये क्लैरिफिकेशन होने के साथ ही नॉर्थ ईस्ट के अंदर धीरे 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 शांति हो रही है, 3 दिन से वहां कोई वायलेंस नहीं, आराम से 4 लोग वहां मारे गए। हाँ वो ठीक है, ये जो आंदोलन में 885 लोग मारे गए थे जब हुआ था तब कांग्रेस के शासन में, और ये आंदोलन का मतलब ये था कि सारे शरणार्थी, सारे घुसपैठिए निकलने चाहिए, हिंदू और मुसलमान में उन्होंने फर्क नहीं किया था? हिंदू और मुसलमान में हमने भी फर्क नहीं करा है,
आप एक बात समझकर चलिए कि इस देश का जब विभाजन हुआ और जो लोग वहां रह गए नेहरू लियाकत समझौते के झांसे में आकर, उनका क्या करेंगे आप बताइए मुझे। कल को मानो दुनिया के किसी भी देश से कोई भी शासन, जैसे इदी अमीन ने करा था, हिंदुओं को निकाल देगा, हिंदू कहां जाएंगे? नाविका जी मुझे बताएंगी आप कौन से देश में जाएंगे? एक बड़ा एयरक्राफ्ट करके उनको हवा में रखेंगे, कहां जाएंगे? और क्यों कांग्रेस ने युगांडा के हिंदुओं को शरण दी थी? तो प्रताड़ना सिर्फ हिंदुओं की चिंता करना, बाकी पहले बाकियों पहले, की नहीं आप, करना। पहले आप समझ लीजिए कि हिंदुओं की प्रताड़ना इसलिए हो रही है कि तीनों इस्लामिक स्टेट है, क्रिश्चियनों की इसलिए प्रताड़ना हो रही है तीनों इस्लामिक स्टेट है, बुद्ध जैन सिख की इसलिए प्रताड़ना हो रही है, पारसी की इसलिए इस्लामिक स्टेट है। इस्लामिक स्टेट में इस्लाम धर्म के अनुयायियों पर कैसे धार्मिक प्रताड़ना होगी बताइए आप मुझे? लेकिन उसके कॉस्ट पर अपने देश में यूं लोगों का जो प्रोटेस्ट आक्रोशित होना, क्या ये हमारे ही है? मैं आपको आज इतने सारा कह रहे हैं ना, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं नाविका जी, देश के सामने जानी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमें राजनीतिक सीमाओं के कारण हमसे दूर हुए, अपने भाइयों बहन जो देख रहे हैं इस समय इसकी स्वतंत्रता समारोह में शामिल नहीं हो सकते, इनकी भी चिंता है, चाहे कुछ भी हो जाए वो हमारे हैं, हमेशा हमारे रहेंगे और उनके सुख दुख का हमें चिंता करनी पड़ेगी, जवाहरलाल जी। इसके बाद में राजेंद्र प्रसाद जी अपने शपथ में कहा, उन विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वसन करने के लिए हम व्यग्र है जो काफी कठिनाई और असुविधा झेल चुके हैं, इसने देश को चिंता करनी चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे बंधु बांधव जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया, केवल अचानक भौगोलिक सीमा के कारण वो विदेशी नहीं हो सकते, इस देश ने इसको स्वीकारना पड़ेगा। इसके बाद में कांग्रेस कार्य समिति का प्रस्ताव, कांग्रेस पाकिस्तान के, अब जरा ध्यान से सुनेगा, कांग्रेस पाकिस्तान के उन सभी गैर मुस्लिमों को पूर्ण सुरक्षा देने के लिए बाध्य, गैर मुस्लिम ये कांग्रेस का प्रस्ताव है, जो उनके जीवन और सम्मान की रक्षा करने के लिए सीमा पार करने करके आए हैं या आने वाले हैं, ये प्रस्ताव था 25 नवंबर 1947 का। महात्मा गांधी 26 सितंबर 1947 पाकिस्तान में रह रहे हिंदू और सिख, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, पाकिस्तान में रह रहे हिंदू और सिख यदि वो वहां रहना नहीं चाहते, वहां रहने के लिए अच्छा माहौल नहीं है, निसंदेह भारत आ सकते हैं, भारत को उनको स्वीकारना चाहिए। ये सारे सेक्युलर नहीं थे क्या? और कांग्रेस भूल गई जवाहरलाल नेहरू को, राजेंद्र प्रसाद जी को, महात्मा गांधी को, सरदार पटेल को, स्वयं अपनी पार्टी के प्रस्ताव को? तो सारे सेक्युलर नहीं थे, वो समझते थे कि गलती हुई है धर्म के आधार पर देश का विभाजन करने की, धर्म के आधार पर देश का विभाजन नहीं होना चाहिए था, अगर न होता तो कोई स्थिति न होती। तो आप पूरी तरह से कन्विंस्ड है कि ये जितना भी अनरेस्ट है, तभी तो लेकर आया हूं। नहीं देखिए, नहीं, जितना अनरेस्ट है ये ऑपोजिशन स्पॉन्सर्ड है, कांग्रेस स्पॉन्सर्ड है 100% चार्ज कर रहे हैं, ये प्रूव होगा? नहीं, मैंने तो कहा, कई बार कहा, प्रूव क्या करना है, दुनिया देख रही है वो क्या बोल रहे हैं, दुनिया देख रही है ना, जबकि इसमें कोई माइनॉरिटी का कोई नुकसान ही नहीं। मुझे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल समझाइए, इससे इस देश के नागरिक मुसलमानों का क्या नुकसान है जरा बता दीजिए मुझे। और इतनी यूनिवर्सिटीज में इस तरह का प्रोटेस्ट होना, इसे आप मैन्युफैक्चर्ड प्रोटेस्ट कहेंगे? मैंने ऐसा नहीं कहा, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस स्टूडेंट्स के साथ चर्चा भी करनी चाहिए, संवाद भी करना चाहिए, मैंने ऐसा नहीं कहा मैन्युफैक्चरिंग, मैंने कहा गुमराह किया जा रहा है, ऐसा मैंने शब्द प्रयोग किया। और मैं तो आज भी कहता हूं कि सभी स्टूडेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को अच्छे से पढ़ना चाहिए, मगर 22 यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट है, 22 में से 4 में ज्यादा है, बाकी सारे सॉलिडारिटी के लिए खड़े हैं, और 4 जो है नाम मैंने आपको बता दिए। तो आपकी सरकार ओपन है स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करने के? कर ही रहे, अभी क्या कर रहा हूं मैं आपके साथ, सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, वो स्टूडेंट भी सुन रहे हैं। महबूबा मुफ्ती जी का अभी ट्वीट आया है थोड़ी देर पहले, और उन्होंने कहा आर्टिकल 370 रिमूवल, अयोध्या वर्डिक्ट एंड द डिस्क्रिमिनेटरी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हैज पुश्ड मुस्लिम्स टू अ टिपिंग पॉइंट, दिस इज द स्लो डेथ ऑफ न्यू इंडिया। मैं एक एक कर सभी बात का जवाब देता हूँ। मैंने कहा धारा 370 जब संविधान बना तब से ही इसको टेम्पररी माना गया था,
और धारा 370 के कारण इस देश ने बहुत नुकसान झेला है, हमने टेररिज्म को झेला है, 40,000 लोगों की मौत हुई है, विशेषकर कश्मीर के बच्चों की, कश्मीर के नागरिकों की। और धारा 370 इसीलिए हटाई गई जो मूल भावना थी, क्योंकि ये टेम्पररी है। दूसरी बात, राम जन्मभूमि अयोध्या एक्ट किसने बनाया? मैंने नहीं बनाया, मेरी पार्टी ने नहीं बनाया, कांग्रेस पार्टी ने बनाया। अयोध्या एक्ट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आएगा इसके हिसाब से जमीन हैंड ओवर टेक ओवर की जाएगी जिसके पक्ष में आए। अब सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने एग्जिस्टिंग और बनने वाले 3 चीफ जस्टिसों ने एक जजमेंट दिया, इसको भी हम नहीं स्वीकार करेंगे, इसको भी पार्टी के साथ जोड़ेंगे। 1994 में अयोध्या एक्ट कौन लाया? कांग्रेस पार्टी लेकर आई कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी उसको ये जमीन दे दी जाए। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां आती है? हाँ, मगर हम मानते हैं कि वहां पर भव्य राम मंदिर बनना चाहिए था। और आपने कहा है 4 महीने में, तो सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन में कहा है, मैंने तो 30 दिन बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन कहा है, आप लोग जजमेंट नहीं पढ़ते हो ना, सिर्फ सुर्खियां पढ़ते हो। जजमेंट पढ़िए, उसमें कहा है कि भारत सरकार का दायित्व तो है कि 90 दिन में प्रक्रिया पूरी की जाए, तो मैं तो उल्टा 30 दिन बढ़ा दिया, कंटेम हो सकती है मुझ पर। तो मैंने नहीं कहा 4 महीना, सुप्रीम कोर्ट का 90 दिन का जजमेंट है नाविका जी। मैं आपसे पूछूंगी, धारा 370 आपने हटाया नहीं, तीसरा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसका भी पूरा नींव कांग्रेस ने डाला हुआ है, हमने नहीं डाला है। ये सबने कहा है अगर नेहरू लियाकत अली समझौता नहीं होता तो इनको स्वीकारना पड़ेगा, और समझौता हमने नहीं किया है, कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, जो कई बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, और कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव है। जरा सोनिया जी लाउडली देश के सामने एक बार ये प्रस्ताव पढ़ ले कि वो प्रस्ताव क्या है। अमित शाह जी, एक सवाल है, इस वक्त देश के सामने चुनौतियां कई हैं, इकोनॉमिक फ्रंट पे हैं, सोशल फ्रंट पे हैं, पॉलिटिकल फ्रंट पे हैं। मैं आपसे पूछूंगी कि क्या एक दौर हुआ करता था कंसेंसस पॉलिटिक्स का, क्या वो दौर कभी लौट कर वापस नहीं आ सकता? अब सिर्फ कन्फ्रंटेशन पॉलिटिक्स हुआ ऐसा करेगी? नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में हम क्या कंसेंसस बनाए? कांग्रेस पार्टी पहले ही कह चुकी थी एक्ट बनाकर कि जो केस जीतेगा उसको जमीन दे दी जाए, क्या कंसेंसस बनाना? और कोर्ट के साथ हम कंसेंसस बनाए? 370 में भी संविधान के अंदर लिखा है कि टेम्पररी है। और तीसरा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के अंदर मैंने लगभग 140 संगठनों से नॉर्थ ईस्ट की बात करी, सभी दल थे इसमें, कांग्रेस पार्टी के भी सारे राज्यों के नेता थे, एक छोड़, एक राज्य के कोई नहीं आए थे, बाकी असम के, बाकी सारे नेता थे, सबसे मैंने बात करी है। तो वहां इतने एग्जेम्पशंस, कश्मीर को कोई एग्जेम्पशन नहीं, कश्मीर को इंटीग्रेट करने के लिए 370 हटा दिया, लेकिन बाकी जगह सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में आपने एग्जेप्शन दिए हैं, आपने आईपीएल बनाई है। फिर एक बार, एक भी एग्जेम्पशन हमारे समय में नहीं दिया। इनर लाइन परमिट मैंने सिर्फ मणिपुर के अंदर बढ़ाई है, मणिपुर की घाटी के अंदर, बाकी सारे एग्जेम्पशन कांग्रेस सरकार ने अलग अलग समय पे दिए। तो सब कुछ कांग्रेस का है, बीजेपी का नहीं, मगर आप नहीं। आप क्यों मेरे हियर से पर जाती? आप स्टडी करो ना, इनर लाइन परमिट कौन लेकर आया? मैं नहीं लाया, हमारी पार्टी नहीं लाई, कांग्रेस लेकर। आप स्टडी करो ना, मगर कांग्रेस ने किया है तो आप कहोगे कि सब नहीं कर सकती इसलिए सत्य नहीं है, ऐसे थोड़ी ना चलता है। अगर सब कुछ करा है तो सब कुछ कराई। एनआरसी की एक्सरसाइज हुई जिसमें 19 लाख लोग एनआरसी के दायरे से बाहर हैं, उसमें काफी सारे हिंदू हैं, इसीलिए उनके लिए अमेंडमेंट होगा, उनके लिए प्रावधान, उनके लिए नहीं हुआ है। सिर्फ 5 लाख लोगों का सवाल नहीं है, लाखों करोड़ों लोग हैं जिनका अधिकार है। मैं तो आपकी चैनल को कहता हूं, जरा उनकी बस्तियों में जाकर भारत को दिखाइए कि किस स्थिति में रह रहे। अफगानिस्तान से आए हुए सिख दिल्ली में ही है, आप दिखाइए उनको जरा, जो यहाँ हरियाणा और दिल्ली की बाउंड्री पर एक दलित पाकिस्तानियों की बस्ती बनी है, जरा वहां जाकर देखिए कैसे रह रहे हैं। तीसरी पीढ़ी आ गई, नागरिकता नहीं मिली उनको। अमित शाह जी, कंसेंसस सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इशू नहीं है, कंसेंसस देश की जनता के साथ भी हो सकता है। तो अगर इस तरह का कोई बिल है तो क्यों
क्यों हमारे देश में ऐसा नहीं होता कि हम उसे वेबसाइट पे डालें लोगों के? नाविका जी, आप कहां जी रहे हो? मेरे घोषणा पत्र में डाला हुआ है, मैं गला फाड़ फाड़ कर 300 से ज्यादा सभाओं में बोला हूं, मोदी जी बोले हैं, हमारे सारे नेता बोले हैं, और लगभग 6 करोड़ लोगों का हमने संपर्क किया है, सबके सामने हम बोले हैं। मगर आप लोगों के मन में कि घोषणा पत्र घोषित करने के लिए होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए नहीं होते। हमारे लिए घोषणा पत्र इम्प्लीमेंटेशन के लिए होते हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि मीडिया के कुछ लोगों ने कहा, एक बीबीसी जर्नलिस्ट का बयान आया है कि प्रोटेस्ट करते हुए वहां पे वो अपना काम करते हुए पुलिस ने उनके साथ भी अत्याचार किया। ये माहौल देश के लिए सही है एट अ टाइम जब इकोनॉमी में कहीं बहुत स्ट्रेस है? मैं ऐसा नहीं कहता देश के लिए सही है, मगर जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है तो मौके पे जो लोग होते सबको झेलना पड़ता है, और मैं तो मानता हूं कि नहीं होना चाहिए ऐसा, कभी भी नहीं होना चाहिए। अमित शाह जी, ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल कब तक आ जाएगी आपके हिसाब से, आपकी रिपोर्ट से? ये सिचुएशन और इस तरह कब तक इतनी टेंस और टॉट रहेगी? देखिए, ऐसा कुछ नहीं कह सकते, मगर बाय एंड लार्ज सिचुएशन कंट्रोल में है। पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर अब शांति हो चुकी है, बंगाल के अंदर भी अब शांति हो चुकी है, दिल्ली में एक दो जगह पे आज घटनाएं हुई है, मगर मुझे भरोसा है कि माइनॉरिटी के लोगों के पास भी ये बात पहुंचेगी, वो भी इस बिल को स्टडी करेंगे, सिर्फ नेताओं के बहकाव में नहीं आएंगे कि हकीकत में ये बिल से भारत में रहने वाले मुसलमान का, भारत के नागरिक मुसलमान का क्या नुकसान है। इवन एनआरसी से भी भारत के नागरिक मुसलमान का क्या नुकसान है? आपने एंटीसिपेट किया था कि इस तरह के प्रोटेस्ट होंगे? ऐसा होता है कि जब इस तरह के फैसले दिए जाते होते तब एक संभावना तो होती है। ऐसे ऐसे प्रोटेस्ट स्प्रेड हो रहे हैं, हमें पहले से अंदेशा था कि नहीं, हम स्प्रेड नहीं हो रहे हैं, कहां स्प्रेड हुआ बताओ? कम हो रहे हैं, पहले पूरा नॉर्थ ईस्ट था, आज नॉर्थ ईस्ट नहीं है, 2 दिन पहले बंगाल था, आज बंगाल नहीं है, स्प्रेड कहां हुई है? सर, दिल्ली तक आ गई। दिल्ली में तो आईआईटी मद्रास में है, दिल्ली में है, केरला में है। आईआईटी मद्रास में क्या है? कुछ बच्चों ने प्रोटेस्ट किया है, तो आप किस प्रकार की डेमोक्रेसी चाहते हो? तो प्रोटेस्ट तो करेंगे, हिंसा कहां है जी? ऐसे शब्दों से ही स्प्रेड होती है, तो कृपया आप ऐसे शब्द प्रयोग न करिए। मुझे बताइए ना, 5 दिन में हिंसा का एरिया कम होता जा रहा है या स्प्रेड होता जा रहा है? आप स्प्रेड शब्द प्रयोग करती है, ये गुमराह करने वाला शब्द प्रयोग है, कृपया ऐसा शब्द प्रयोग न करिए। लेकिन ये सवाल इस समय इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैंने कहा इकोनॉमी स्ट्रेस में है। इस वक्त हमारा ध्यान होना चाहिए कुछ उन विषयों पर, चाहे हम देख लें अपनी एग्रीकल्चर की सिचुएशन, चाहे हम देख लें ट्रेड की सिचुएशन, एक्सपोर्ट्स की सिचुएशन, चाहे हम अपनी जीडीपी ग्रोथ देख लें, चाहे हम अपनी फैक्ट्री आउटपुट देख लें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देख लें, सब तरफ स्ट्रेस है। और तो और टैक्स कलेक्शंस कम हो रहे हैं, सारे स्टेट्स आकर कह रहे हैं कि हमें अपना ही पैसा मांगना पड़ रहा है और मिल नहीं रहा है सेंटर से। इस सिचुएशन में इस तरह की घटनाएं अगर हों तो आपको नहीं लगता कि इकोनॉमी पर और स्ट्रेस? देखिए, दोनों चीजें अलग हैं, पहले आप इसको मिक्सअप प्लीज मत करिए। जहां तक इकोनॉमी का सवाल है, मैं कई बार कह चुका हूं ये ग्लोबल स्लोडाउन का असर है, भारत में भी है, और निर्मला जी इसको बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर रही हैं। टैक्स कलेक्शन अब कम नहीं हुआ है, 1,06,000 करोड़ क्रॉस हो गया इस महीने, मतलब गत महीने, और इस महीने भी अच्छी होने की संभावना है, मगर इसका और इसका कोई लेन देन नहीं है। एक ऐसा सुधार है जो बहुत समय से जरूरी था। तो ये रिफॉर्म्स जो आप कह रहे हैं, सुधार की जरूरत थी, कई स्टेट्स ने कहा है हम इसे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, क्या स्टेट्स के पास ये ऑप्शन है? क्योंकि ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। ना जी, नहीं है। लेकिन लोकल लेवल पर कुछ ना कुछ तो, कोई पेपर चेक, कोई कुछ तो रहते तो ये लोग स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, सेंटर सब्जेक्ट है नागरिकता, और पूर्ण अधिकार इसमें भारत सरकार का। और अगर वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स कहें कि हम इसे इंप्लीमेंट नहीं, मैं कोई पॉलिटिकल अखबार को सुर्खियां बनाने के लिए दिए गए स्टेटमेंट का जवाब नहीं दे सकता नाविका जी, ना इसने आपको इतनी सीरियसली लेना चाहिए। और सब जानते हैं सेंट्रल सब्जेक्ट है। और एनआरसी के इशू पर
एक अलायंस पार्टनर आपने अभी खोया है महाराष्ट्र में, और अब एनआरसी के इशू पर एनआरसी के कारण खोया है, नहीं नहीं मैं सीएम पद के लिए खोया है, अब उनको सीएम पद एनआरसी पे कहीं दूसरा ना छूट जाए, जो क्योंकि नीतीश कुमार जी ने कहा है जेडीयू कभी एनआरसी को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। हम चर्चा करेंगे ना, जब करेंगे तब उनसे, पर बातचीत हुई इस पर कि एनआरसी पर उनके विचार अलग, अगर अभी करना नहीं, अभी करेंगे तब बातचीत करेंगे उनसे। आप अटल हैं कि इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई गोइंग बैक नहीं होगा? मैं और सरकार दोनों अटल है, चट्टान की तरह अटल है, कोई इसमें पीछे हट नहीं होगी, चाहे इस पर आपके ऊपर आरोप लगे कि आप भारत को हिंदू राष्ट्र बना रहे। कोई ऐसे आरोप लग भी नहीं सकता, और लगाएगा तो कोई मानेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें ना कोई ऐसा तत्व है जिससे देश की माइनॉरिटी को खतरा है। मैंने बहुत बारीकी से बिल, मैंने ही ड्राफ्टिंग अप्रूव की है, मुझे मालूम है ये बिल भारत के नागरिकों के लिए है ही नहीं, ये तीन देश के जो शरणार्थी आए उनको नागरिकता देने का बिल। तो एनआरसी का टाइमलाइन आपने क्या तय किया? अभी कोई तय नहीं किया, तय करेंगे तब आपको बताएंगे। पर आपको लगता है कि अगले साल पहले हाफ में एनआरसी का भी? ऐसा है नाविका जी, मैं आपको कह चुका कि जब मैं तय करूंगा, जब बताऊंगा, छिपे छिपके तो होगा नहीं, इसको सार्वजनिक रूप से ही करना पड़ेगा। आप अपने आप को क्या टाइमलाइन देते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड और एनआरसी, दोनों इश्यूज पर आप कितना समय देते? देखिए, मैं अकेला निर्णय नहीं कर सकता, ये कई सारे फैसले कैबिनेट में जाते हैं और समय संजोग देखकर करेंगे। अभी तय नहीं किया, तय किया होता तो बता ही देता मैं आपको। एक आर्ग्यूमेंट ये भी आता है कि आप आग को आग से नहीं बुझा सकते, तो अगर आग लगी हुई है कहीं पर, किसी आग से मेरा मतलब है कि प्रोटेस्ट है, लोगों के मन में बहुत सी शंकाएं उठ रही हैं, उसको कभी कभी पानी की जरूरत होती है, तो उसको हम सिर्फ एक डिसीजन ऐसा जिसको डिक्टेटरशिप का डिसीजन कहा जा रहा है बहुत से क्वार्टर्स में, उससे माफ करना, देश की पार्लियामेंट के दोनों सदन जिस निर्णय को बहुमत के साथ, और ऐसे बहुमत नहीं जैसे आंध्र का विभाजन हुआ था, दरवाजा बंद कर मीडिया को बाहर निकाल कर, पूरे देश सुन सके इस तरह चर्चा कर और उनके हर मुद्दे का जवाब देकर बाद में मतदान कराकर पास करते हैं, इससे आप इसको आप डिक्टेटरशिप कहते हो या डिक्टेटर की तरह लिया गया डिसीजन लेते हो, मैं मानता हूं ये ठीक। आपने अपनी एक रैली में अभी झारखंड में कहा कि अगर इसमें कहीं कुछ ट्वीक, मैंने ऐसा नहीं कहा, आप ध्यान से सुनिए, मैंने कहा मेघालय के मुख्यमंत्री मुझे मिलने आए थे, मेघालय के लिए कुछ कानूनी रियायतें मांगते थे, तो अब मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी हम नाताल के बाद उनके साथ बैठकर चर्चा करेंगे और जरूरी होगा तो कुछ कदम उठाएंगे। तो सिर्फ मेघालय तक की बात है ये? उनकी डिमांड ही मेघालय की, मेरा आगे शब्द है, मगर आप लोग पूरी चीज सुने बगैर या तो पर्पसफुली इसको तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने रखते हैं। मैंने कभी नहीं कहा, आपके पास क्लिपिंग होगा, आप अभी भी इसके साथ मेरी रिक्वेस्ट चलाइएगा कि मैंने क्या कहा था। एनआरसी और सीमित रिसोर्सेस का आपने कई बार दिया है हवाला, लेकिन एनआरसी में कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि ये बंगाल चुनाव के लिए एक कॉन्फ्रंटेशन पोलराइजेशन की तैयारी। देखिए एनआरसी, मुझे एक बात बताइए नाविका जी, कोई भी देश ऐसे चल रहा है जिसमें चल सकता है जिसमें कोई भी आकर ठहर जाए कोई भी परमिशन के बगैर, नागरिकता लिए बगैर, करोड़ों करोड़ों लोग आते रहे, किस तरह से देश चल रहा है? इसमें बंगाल चुनाव का सवाल नहीं है, और एनआरसी सिर्फ बंगाल में नहीं होने वाला है, जब भी होगा पूरे देश में होगा। और लोगों का कहना है कि ये जो यहाँ पर दिल्ली तक ये प्रोटेस्ट फैले, इसका सीधा लेना देना है आने वाले चुनाव के साथ, दिल्ली में जो चुनाव होने वाले हैं, और पोलराइजेशन। देखिए, कुछ पार्टियों ने जो बयान दिए हैं, मुझे लगता है कि चुनाव को पोलराइज करने के लिए, मेरा तो उनसे भी अपील है कि अभी लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो इसलिए वो सहकार दे, कोऑपरेट करें। लेकिन आप इतना कुछ कह रहे हैं, ऑपोजिशन ने ये जान के किया है, उनके बयान इस तरह आए हैं, सरकार के पास प्रूफ है? क्योंकि ये मामला अब कोर्ट में है। नहीं, बयान ही अपने आप में प्रूफ है।
आप मुझे बताइए ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कैसे माइनॉरिटी विरोधी है? कोई बोल नहीं रहा, कोई समझा नहीं रहा कि कैसे माइनॉरिटी विरोधी इस पे जुडिशरी भी, रिटायर्ड जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी व्यू इस पर वेरी करता है. कुछ लोग कहते हैं ये सही है, कुछ लोग कहते हैं ये सही नहीं है, और ये टेस्ट करना पड़ेगा आर्टिकल 14 इससे. तो उसमें तो सुप्रीम कोर्ट में जाए कांग्रेस पार्टी, मैं कहां मना कर रहा हूं? गए हैं वो बस, तो फिर आंदोलन. पर आप डिफेंड कर पाएंगे इसको सुप्रीम कोर्ट? जी निश्चित रूप से, ये कानून अदालत की परीक्षा में खरा उतरेगा और हम सिद्ध कर पाएंगे कि संवैधानिक रूप से परिपूर्ण चौकसी के बाद एक कानून को लाया गया है. अमित शाह जी, सवाल इस पर एक और भी है. सवाल है जो राम मंदिर का कहा है. आपने अनाउंसमेंट किया 4 महीने में जो 5 एकड़ लैंड देना है मुसलमानों को, 4 महीने में जो बोर्ड बनना है, ये किस तरह की प्रक्रिया रहेगी जिससे राम मंदिर बनेगा? 4 महीने नहीं, हमें 3 महीने में करना है, और 3 महीने में से काफी समय चला गया, प्रक्रिया चल रही है. बोर्ड तय हो जाएगा उसमें ये भी रिपोर्ट आई है कि आप और यूपी के मुख्यमंत्री जी भी मेंबर रहेंगे उस ट्रस्ट. भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य इसमें मेंबर नहीं होगा. और ये ट्रस्ट कैसे होगा? ये फाइनेंस डोनेशन से होगा जो मंदिर बनेगा, या दो चीजें मैं स्पष्ट कर देता हूँ. भारतीय जनता पार्टी का कोई मेंबर ऑपोजिशन पार्टीज हमेशा एक निशाना बनाए रखते हैं. खेद प्रकट नहीं किया है, मैं उसी वक्त मेरा ही बिल चर्चा में था. उस वक्त शहीद उधम सिंह और गोडसे दोनों का एक साथ जिक्र आया था. उनका कहना है था कि वो खड़ा होकर ऐसे बोली कि आगे शहीद लगाओ. तो मुझे लगता है कि उनका जो कहना है कि ये शहीद उधम सिंह के लिए था और मिस इंटरप्रिट गोडसे के लिए हुआ. फिर भी सबने जब कहा कि नहीं आप गोडसे के लिए बोले, तो उन्होंने क्षमा प्रार्थना कर ली है अध्यक्ष जी के सामने, लोकसभा अध्यक्ष के सामने, और वार्निंग भी दी गई है उन्हें पार्टी. हाँ, की तरफ से वार्निंग भी दी है पार्टी. सवाल एक और है. राहुल गांधी ने कहा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के इस दायरे में ही कहा, उन्होंने कहा कि पहले मेक इन इंडिया कहा जाता था, अब रेप इन इंडिया. राहुल गांधी आज कहां है आप बताएं? होम मिनिस्टर हैं, आपके पास होगी रिपोर्ट. होम मिनिस्टर के पास विपक्ष के नेताओं की सूचना नहीं आती, किसी जर्नलिस्ट का ही फोन आया कि आज कोरिया चले गए शायद. ये ऐसी सूचना चल रही पर उनके होने. मैं सिर्फ बताता हूँ आपको, सीरियसनेस के लिए बता दो, और कोई मेरा इसमें है. लेकिन उन्होंने 2 दिन पहले रामलीला मैदान ये सारे लोग राष्ट्रपति को मिलने गए और वो सज्जन कोरिया गए, किसी जर्नलिस्ट का ही SMS आया मुझे. मैं जांचा नहीं है सच्चा है झूठा है, मुझे उनके साथ इतनी ऑनेस्टी रखनी चाहिए कि मैंने जांच नहीं करी. लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये इंडिया अब रेप इन इंडिया हो गया. उनसे जब माफी मांगने को कहा तो उन्होंने कहा मैं राहुल गांधी हूँ, राहुल सावरकर नहीं हूँ, माफी नहीं मांगता. वो सावरकर बन भी नहीं सकते. सावरकर बनने के लिए बहुत बड़ी तपस्या, बहुत बड़ा त्याग और बहुत तीव्र देशभक्ति चाहिए. ये तीनों में से कुछ राहुल गांधी के व्यक्तित्व में झलकता नहीं. राहुल गांधी को मालूम नहीं है सावरकर जी ने जैसे 12 साल काला पानी के सजा के तहत अंडमान निकोबार की जेल में, सेलुलर जेल के अंदर बिताए, ऐसे 12 दिन भी वो नहीं रह सकते, 12 घंटे भी नहीं रह सकते. और मैं मानता हूं इस देश की जनता जो इस देश को चाहती है, सबको इनके स्टेटमेंट से बड़ा दुख पहुंचा है, हृदय तक दुख पहुंचा है कि एक परिवार जिसकी संपत्ति एक जीवन के अंदर 6 बार अंग्रेजों ने कुर्क कर दी, दोनों भाई को 50-50 साल की सजा हुई, देश को आजाद कराने के लिए पूरा जीवन जिन्होंने भारत माता के चरणों में समर्पित कर दिया, जिसने देश के इतिहास को एक नई दिशा देने का काम किया, वो व्यक्ति के लिए इस प्रकार का उच्चारण
इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, किसी भी पार्टी के नेता ने नहीं करना चाहिए, और उनको मालूम नहीं है इनकी दादी इंदिरा गांधी ने अपने पर्सनल सेविंग्स अकाउंट से 11,000 रुपया सावरकर ट्रस्ट को दिया था सावरकर की स्मृति में, उनको मालूम नहीं है। शायद इनके टीचर जो होंगे उन्होंने सिखाया नहीं, उनको बताया नहीं है। इंदिरा गांधी जी ने 11,000 रुपया अपने व्यक्तिगत अकाउंट से दिया था। तो अमित शाह जी उनके अलायंस पार्टनर हैं जो दूसरे सावरकर भक्त हैं, शिवसेना जी जो पहले आपके अलायंस पार्टनर हुआ करते थे। एक सवाल मैं मानता हूं, इसमें शिवसेना ने भी प्रोटेस्ट किया है इनके स्टेटमेंट को, इसका विरोध किया है शिवसेना ने, मेरी जो अखबारों से जानकारी है। लेकिन शिवसेना के साथ जो आपका एक ब्रेकअप हुआ महाराष्ट्र में, क्योंकि ये कॉन्क्लेव महाराष्ट्र में देखा जा रहा है, तो मैं आपसे पूछूंगी कि ये मुद्दा क्या था, और इतनी देर पहले आपने कोई पहल नहीं की और फिर सुबह 7:30 बजे शपथ ग्रहण कर ली। मुद्दा स्पष्ट मैंने कई बार मीडिया के सामने किया, मुद्दा यही था कि मुख्यमंत्री कौन बने। शुरू से तय था कि श्री देवेंद्र फडणवीस, अगर युति की सरकार बनती है शिवसेना भाजपा युति की बहुमत आती है तो देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। हमने सार्वजनिक रूप से कई प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कई रैलियों में उसको कहा था, जिसको डिनाई नहीं किया गया। अब उनको लगा कि उनको बनना है तो उन्होंने हमारा साथ छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी का साथ लिया, ठीक है। आपने भी एनसीपी का लिया, जिस अजीत पवार को आप करप्ट कहते थे आपने उनके साथ समझौता किया। नहीं, हमने भी लिया, मैं कह रहा हूं, मगर हमने शुरुआत नहीं करी नाविका जी। तो पहले उससे पहले एक बात समझ लीजिए, आइडियोलॉजी कुछ ना, ना ना पहले एक बात समझ लीजिए कि ये जो शुरुआत हुई उसमें इसलिए आप शिवसेना और बीजेपी को एक पलड़े में नहीं रख सकती, क्योंकि ये मैंडेट देवेंद्र फडणवीस और नरेंद्र मोदी के नाम पर आया था, शिवसेना का कोई रोल नहीं था। ना, मैंने ऐसा नहीं कहा, मगर शिवसेना का एक भी प्रत्याशी इंक्लूडिंग आदित्य ठाकरे नहीं था, जिसने मोदी जी का कटआउट शिवसेना के सारे नेताओं से बड़ा नहीं लगाया था। एक भी प्रत्याशी नहीं था, एक भी पत्रिका नहीं थी। मैंने भी कई शिवसैनिकों के लिए रैली करी है, पीछे के बैकड्रॉप देखे हैं मैंने, और आपके लोगों ने भी बहुत सारा रॉ फुटेज होगा, आप निकाल कर देख लीजिए। तो ये चुनाव ही लड़ा गया था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम पर, स्टेट में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर और सेंटर में नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, और उसके बाद में ये करना उचित नहीं था, इतनी ही बात है। लेकिन अजीत पवार के साथ आपका जाना उचित था, जब आप इरिगेशन स्कैम चक्की पीसिंग पर कई। मैं एक बात आपको कह दूं कि हमें मैंडेट मिला था, इस मैंडेट को सपोर्ट कराने का प्रयास किया था, और उसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बन रहे थे, अजीत पवार नहीं बन रहे थे। फिर भी आपको लगता है कि जिस तरह का समझौता आपको करना पड़ा करप्शन के साथ, जो पार्टी खुद को कहती है जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, हमारी सरकार वो सही था? देखिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सरकार में आने के बाद वो करप्शन करे तो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहले के करप्शन के चार्जेस कोई मायने रख मैंने रखते? ऐसा नहीं कहा, एक सिचुएशन ऐसी खड़ी हुई थी जिसमें पार्टी ने फैसला करना पड़ा। आज अगर आप वापस मुड़ के देखें तो क्या ये गलत फैसला था? समय तय करेगा क्या फैसला गलत था या सही था। आपको अभी नहीं, आप कन्विंस नहीं है कि अभी गलत है? जब तक ये सरकार कैसी चलती है इसके आधार पर ही इसका। तो आप दोनों गेट्स खुले रख रहे हैं? ना, मैंने ऐसा नहीं कहा, कैसे चलती है इसके आधार पर इस निर्णय का फैसला जनता भी करेगी, हम भी करेंगे, आप भी करेंगे। अमित शाह जी, आप गृह मंत्री हैं और मैं महिला पत्रकार होने के नाते आपसे सवाल पूछना चाहती हूं कि हाल ही में देश में कई रेप्स की घटनाएं हुई और इस पर आक्रोश है, महिलाओं में आक्रोश है, लोगों में आक्रोश है, कि आज भी निर्भय के जो रेपिस हैं उन पर कितने कार्यवाही हो चुकी है, हर कोर्ट में हो चुकी है, हर कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है, लेकिन 7 साल बाद आज भी उन्हें फांसी की सजा नहीं मिली है। क्या हमारा लॉ, हमारा जस्टिस सिस्टम ये न्याय कर रहा है महिलाओं के साथ? देखिए, इसमें ऐसा है नाविका जी की जो एक्ट बना है वो एक्ट के अंदर और जो जजमेंट्स आए उसके फॉलोअप में एक दिन भी की भी देरी कहीं पर भी दिल्ली प्रशासन या भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं हुई।
इनकी रिव्यू पिटीशन का समाप्त होते ही एक महीने के अंदर दिल्ली सरकार ने भारत सरकार को भेज दिया, भारत सरकार ने 3 दिन के अंदर राष्ट्रपति को भेज दिया, इन्होंने माफी की अर्जी वापस ले ली। अब दूसरे ने रिव्यू पिटीशन कर दी, अब कोर्ट इसको 1-2 दिन में तय करेगी, और उससे सब होने के बाद भी 14 दिन का उसको लीगल रेमेडी के लिए टाइम देने का एक जजमेंट आकर पड़ा है सुप्रीम कोर्ट का, 5 जजों की बेंच का जजमेंट है। लेकिन आप एक्ट्स में, बिल्स में जजमेंट कभी तब्दील करने में समय नहीं लगाते हैं, तो ये वाला एक्ट हमने करा ना, फांसी की सजा हमने ही करी ये एक्ट बदल कर, मगर फांसी का जो एग्जीक्यूशन है इसकी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने बनाई है, मैं नहीं बदल सकता इसको, मेरी कानूनी मर्यादा है। और जो हैदराबाद में हुआ पोस्को में जो पुलिस ने एनकाउंटर किया, क्या जनता उससे, कई लोग उससे बहुत खुश हैं, चाहे ये लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ हो, लोग कहेंगे कि इस तरह का इंस्टेंट जस्टिस, मॉब जस्टिस सही नहीं है, लेकिन लोग आज इसकी कर रहे हैं अप्रिसिएशन, क्योंकि उनको लगता है कम से कम फैसला तो हुआ। क्या ये सही है? लोग अप्रिसिएशन कर रहे हैं इसको, मैं कैसे रोक सकता हूँ, रोकना भी नहीं चाहिए। नहीं, पर आप होम मिनिस्टर हैं, क्या आगे के फैसले एनकाउंटर के द्वारा होंगे? मैं ऐसा नहीं कह सकता, ना ऐसा करने की सलाह दे सकता हूं। अमित शाह जी, रैप करने से पहले एक सवाल वापस आपसे पूछूंगी। गुलाम नबी आजाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने कहा कि ये स्टूडेंट मूवमेंट जो है उसने बीजेपी को बनाया जो वो आज है, आज ये स्टूडेंट मूवमेंट कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ जा रहा है। ऐसा है नाविका जी, वो पॉलिटिकल मूवमेंट को, उनकी पार्टी की सीमित 4-5 पार्टियों की मूवमेंट को स्टूडेंट मूवमेंट के कपड़े पहनाना चाहते हैं, वो सफल नहीं होंगे। मैंने स्टूडेंट मूवमेंट देखी है, हिस्सा भी लिया है, स्टूडेंट मूवमेंट ऐसी नहीं होती, 4 यूनिवर्सिटियों के तक सीमित नहीं रह जाती है। कपड़े की बात आपने कही तो एक स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी का भी आया कि आप कपड़ों से पहचान सकते हैं, जिस पर बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं। नहीं तो आए कमेंट्स, उनका क्या, आप वीडियो देखो और कहो नहीं पहचान पाते। अभी सिंगलिंग आउट, हम सिंगल आउट कर रहे हैं। ना ना, कोई सिंगल आउट नहीं कर रहा, आप वीडियो देखकर आप कहो ना कि नहीं पहचान पाते, सवाल बोलना नहीं बोलना इसका नहीं होता है, जनता के सामने एक पक्ष रखा है। अमित शाह जी, बहुत सवाल है, बहुत ज्यादा सवाल है, लेकिन एक सवाल जो सबसे ज्यादा लोग पूछ रहे हैं कि जो पार्टी 6 महीने पहले इलेक्शन जीत कर आई थी, आपको आज भी लगता है कि इतने सारे डिबेट्स, डिसोनेंस के बाद आपकी पार्टी की पॉपुलैरिटी, जैसे अमेरिका में कई बार पॉपुलैरिटी रेटिंग्स देखे जाते हैं, जो मे के रिजल्ट्स के बाद थी, आज उतनी है? देखिए, स्टेट और सेंटर दोनों के लिए अलग मापदंड होते हैं, वोट देने का क्राइटेरिया भी अलग होता है, मगर मैं आपको बता दूं, हरियाणा में भी हम सबसे बड़ी पार्टी बने, हालांकि हमारी 8-10 सीटें कम आई, वहां पर हमारा गठबंधन जीता है, सिरजाना जिस सीटों पर लड़ी वहां भाजपा नहीं लड़ी थी, तो हमें 160 सीटें आई। मैं स्टेट्स की बात ही नहीं कर रही, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो कहां अभी टेस्ट ही हुआ है। नहीं, पर ये जो लोगों की आवाज आप तक आ रही है कि? तो लोगों की आवाज ऐसी नहीं आ रही है, आपके कान बंद है, एक ही कान से आवाज आ रही है, दूसरा कान खोल लो तो आवाज बहुत बड़ी सुनाई पड़ेगी कि ठीक हो रहा है, आपको एक ही कान में एक ही आवाज आ रही है। वेल, अमित शाह जी, दिल्ली का चुनाव आ रहा है, आवाज कितनी आती है, किस कान से आती है और कहां निकलती है इसका दिल्ली का चुनाव भी हम पूर्ण बहुमत के साथ जीतेंगे। 67 है आम आदमी पार्टी के, आप ठीक है, मैं जानता हूँ 67 है, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री है, सब जानता हूँ, मगर मैं आज ही एक रैली में कहकर आया हूँ, अगली सरकार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली। वेल, चैलेंजेस आर समथिंग मिस्टर अमित शाह हैज नेवर फॉलन शॉर्ट ऑफ। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे साथ बातचीत की और आज स्टूडेंट कम्युनिटी पे बात की और मुंबई में बिजनेस और इकोनॉमिक कम्युनिटी से आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।